टीवी एक्टर आदित्य सिंह राजपूत के निधन की खबर सुनने के बाद जहां सोशल मीडिया पूरी तरह से टूट चुका है, वहीं पर टीवी पर सोशल मीडिया पर हर कोई उनके जाने के बाद काफी दुखी है और उनके जाने के बाद यहां पर उन्हें अलग अलग तरह से श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहा है। दरअसल टीवी के फेमस एक्टर और अपने 25 साल की उम्र में अपने करियर के मुकाम पर पहुंचने वाले आदित्य सिंह राजपूत, जिनके जाने के बाद से उनके फैंस और उनके परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा है। खबर तो ये है कि पैर फिसलने की वजह से उनकी जान गई, तो दूसरी ओर ये कहा गया कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से आदित्य की जान गई। अब ऐसे में इस मामले की छानबीन होगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है आदित्य सिंह राजपूत को लेकर, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में अब आदित्य सिंह राजपूत को लेकर एक और नई अपडेट दरअसल सामने आ चुकी है। ये अपडेट, ये खबर और भी ज्यादा बड़ी होगी जब हम आपको बताएंगे इस खबर से जुड़ी एक और नई सच्चाई। जी हाँ, आप सबको बताते चले कि आदित्य सिंह राजपूत के जाने के बाद उनके घर पर पहुंची आदित्य सिंह राजपूत की दोस्त लोकेश कुमारी, जिन्होंने यहां पर मीडिया वालों से बात की। और जब मीडिया वालों ने लोकेश कुमारी से सवाल किया कि आपके सबसे करीबी दोस्त आदित्य अब इस दुनिया से जा चुके हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी, तो उन्होंने यही कहा कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। जब ये खबर मुझे मिली तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने आसपास के लोगों से फोन कर कंफर्म किया, उसके बाद मुझे ये बात पता चली और अब मैं उसके घर और परिवार से मिलने आई हूँ। इसी के साथ जब उनसे पूछा कि यहाँ पर ड्रग्स ओवरडोज की खबर सामने आ रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगी, तो लोकेश कुमारी ने कहा कि वो अब जा चुका है, उसे इस तरह से बदनाम करना गलत होगा। वो ड्रग्स नहीं लेता था और ना ही वो ऐसा था। वो बड़ों का सम्मान करता था, छोटों की कद्र करता था और यहाँ पर लोगों के बारे में सोचता था। अगर उसे ये सब करना ही होता तो शायद वो इस 25 साल की उम्र में जिस मुकाम पर आ पहुंचा था वहां ना पहुंचता, बल्कि वो इसका फायदा उठाता। वो अकेला रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हमेशा अपने करियर पर फोकस किया। वो कभी भी ऐसी गलत चीज नहीं कर सकता। तो ये था लोकेश कुमारी का खुलासा आदित्य सिंह राजपूत के निधन पर। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट।